नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पे जो भर्ती निकली थी उसकी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, और संपन्न होने के बाद हर बच्चे के दिमाग में, मनोमस्तिष्क में, जुबान पे केवल एक प्रश्न है कि सर क्या मैं रनिंग की तैयारी करूं, क्या मेरा हो जाएगा, मेरा इतना नंबर है, मुझे क्या करना चाहिए। और इन सारे आपके जो ये सवाल हैं, आपके ये जो व्याकुलता है, इसको मैं भली भांति समझ सकता हूं। और इसी कारण है मैं देखता हूं कि आपके इस भोलेपन के, आपके इस जो ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या यूट्यूब चैनल हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने चंद व्यूज़ के लिए आपको कहीं भी दिशा भ्रमित कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बता रहे हैं। कोई कुछ भी एवरेज बता रहा है, कोई कुछ भी शिफ्ट को आसान कठिन बता रहा है, और कोई कुछ भी कट ऑफ बता रहा है। जिसके जो मन में आ रहा है, जिसका जो बुद्धि कह रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, सटीकता क्या है, क्या मेंटेलिटी और क्या मानसिकता हमें बनाए रखनी चाहिए, और क्या हमारा मेंटल टेम्परामेंट होना चाहिए, क्या हमें रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इसके पीछे एक सॉलिड कारण हम लोग इस सेशन में अच्छे से समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आप सभी को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस संस्था के, खासकर इस सेगमेंट की जो वीडियोज़ होती हैं एनालिसिस वाले, आप लोग बहुत पसंद करते हो, क्योंकि उसमें एक लॉजिक दिखती है, एक एनालिसिस दिखती है, और उसमें एक बहुत बड़ी मेहनत दिखती है। मैं चाहता तो अभी कल पेपर समाप्त हुआ था, कल मैं भी एक वीडियो लेके आ जाता, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, क्या होगा असर, कितना जाएगा कट ऑफ, और वीडियोस के व्यूज मेरे सबसे ज्यादा जाते। लेकिन मुझे कई बार व्यूज से मतलब नहीं होते, कई बार ये मतलब होता है चंद लड़का अगर मुझे देख रहा है तो उसको सही जानकारी उसको तक प्रेषित हो, बाकी क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। आते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और इतने नंबर हैं क्या मेरा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न। तो ये प्रश्न के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। सबसे पहले प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चे पूछे कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी कठिन। एक चीज समझिएगा बच्चों, अगर ये प्रश्न मैं बच्चों से पूछता हूं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी कठिन, तो कोई भी बच्चा, किसी को भी अपना काम आसान नहीं लगता। शायद ही कोई होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं मेरी शिफ्ट बहुत आसान थी, तुम्हारी शिफ्ट बहुत कठिन थी। कोई किसी को क्या है, कोई किसी के सामने इन्फीरियर नहीं दिखना चाहता, सभी के सामने सुपीरियर दिखना चाहता है। वो यही बताना चाहता है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस तुम्हारे रेस्पेक्ट में ज़्यादा बेटर है। तो बच्चे से हम इस बात से नहीं पूछ सकते कि आपका शिफ्ट आसान है या कठिन है। तो फिर कैसे पूछ सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास संख्या में लोगों का डेटा होना चाहिए, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते कि कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी कठिन। डेटा क्या बताएगा, जिस शिफ्ट का औसत स्कोर सबसे कम होगा, इसका मतलब वो कठिन, वो शिफ्ट क्या होगी, कठिन होगी, और जिस शिफ्ट का औसत स्कोर सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब वो शिफ्ट क्या होगी, आसान होगी। मैं आपको कठिन और बोल सकते हो कि आसान शिफ्टों में कुछ आपके शिफ्ट के नाम दे दूं। जैसे अगर देखा जाए तो 30 का सेकंड शिफ्ट, 30 का सेकंड शिफ्ट हो गया, ऐसे ही 25 का सेकंड शिफ्ट हो गया, 25 का सेकंड शिफ्ट हो गया, और इवन 31 का जो सेकंड शिफ्ट है ये कठिन शिफ्टों में है। लेकिन अभी कोई मुझसे बोले कि इनमें से सबसे कठिन कौन सी थी, तो मेरे पास जब तक पर्याप्त आंकड़े नहीं होंगे मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आसान शिफ्टों की बात किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कठिन शिफ्ट अगर प्रश्नों के आधार पर ना देखा जाए, ये प्रश्न और एवरेज स्कोर दोनों आधार पर बोल रहा हूं। और अगर हम लोग इसी में एक और जोड़ दें, 23 की फर्स्ट शिफ्ट, 23 की क्या है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट ये भी क्या है, ये भी कठिन स्तर की थी, क्योंकि यहां पे बच्चे को पता ही नहीं था कि पेपर किस प्रकार पूछा जाना है। तो ये चार सबसे कठिन शिफ्टों में से माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे एवरेज स्कोर सबसे कम जा रहे हैं। और सबसे आसान में बात किया जाए, तो सबसे आसान में बात करते हैं 24 की प्रथम पाली आसान में जा रही है ना। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन किससे ज्यादा है, बस मैं आसान पालियों में कुछ नाम आपको गिना रहा हूं। 24 की प्रथम पाली है, ये आपकी क्या है, आसान में जा रही है। ऐसे 30 की आपकी प्रथम पाली है, ये भी आसान में जा रही है। 31 की आपकी प्रथम पाली है, ये भी क्या हो रही है, आसान में जा रही है। लेकिन ध्यान दिया जाए, 31 और 30 के कुछ आंकड़े जो यहाँ पर अगर बात किया जाए, तो इन शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न कम गलत थे, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर कम हुआ है। बच्चों को लग रहा है ये बराबर नंबर मिलेंगे, लेकिन बराबर नंबर नहीं मिलेंगे। जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उनको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, एक्यूरेसी जिनकी कम होगी उनको कम मिलेंगे। इसको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, एक ही वीडियो में सब समझाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगा। बस आप समझो जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही नोटिफिकेशन में फॉर्मूला है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं।
लेकिन आप यहां पे गलत समझ बैठते हो कि एक्यूरेसी आपके नॉर्मलाइजेशन में भी असर डालेगी, तो एक्यूरेसी आपके नॉर्मलाइजेशन में असर नहीं डालती। वही हमारा प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन पर निगेटिव मार्किंग का असर करेगा, तो नॉर्मलाइजेशन पर निगेटिव मार्किंग असर नहीं करता, वो असर करता है जब किसी शिफ्ट में प्रश्न गलत होते हैं तो उनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाना है वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, निगेटिव मार्किंग पर डिपेंड करता है। कितना आपने निगेटिव किया है उतना कम मार्क्स मिलेगा, लेकिन कम मार्क्स मिलेगा, और जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसे ज्यादा मिलेगा। मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिर किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा, मैंने देखा है बहुत सारे अध्यापक ये बोल रहे हैं, बहुत सारे संस्थान के लोग ये बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 30-40 नंबर बढ़ जाएगा, कोई बोल रहा है कि 20-25 नंबर बढ़ जाएगा, कोई बोल रहा है कि 15-15-20-20 नंबर बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा किसी का। इसी में अभी बोलूंगा तो हो सकता है ये विवाद का मुद्दा बन जाए, लेकिन वो लोग जो दूसरे के लिए विवाद खड़ा करते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि किस आधार पे होगा। उनका कहना है, अभी चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ, करियर विल के अरुण हिंदी हिंदी भाई अरुण सर को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने अभी ये बोला है, एक बच्चे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट खींच के दिया, पूछा तब मेरे दिमाग में ये बात आई, और उन्होंने ये बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी का निगेटिव नहीं होता है, सबका केवल पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो भाई या तो आप नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को सही से पढ़े नहीं, या शायद मेरा ये कहना गलत हो, लेकिन एक हिंदी का अध्यापक अगर गणित का फॉर्मूला लगाएगा तो शायद उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी। आप दूसरों में कमियां निकालते हो कि गागर में सागर से कुछ नहीं फंसा, दूसरों पे आप लक्षण लगाते हो, गलत है ये। मैं आप पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बस इतना बोल रहा हूं, थोड़ा सा गलत मत बताइए, गलती हो गई होगी तो उसे आप सुधार लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन थोड़ा सा जब आप दूसरे के लिए क्वेश्चन मार्क उठाते हो तो वहाँ पे बाकी सारे बच्चों का भी नजरिया आपके प्रति गंदा हो जाता है, और अध्यापकों का तो हो जाता है। अध्यापक हमेशा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, ये सब चीज़ें गलत होती है तो मत करिए प्लीज़। लेकिन अगर आपने ये बोला है बच्चों सर से, हो सकता है अरुण सर से ये गलती हो गई हो, या फिर जिस भी तरह उन्हें ना समझ में आया हो, उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होंगे, जबकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो कम होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि अगर कम होगा तो 2-3 नंबर ही कम होगा, और बढ़ने में 14-15 नंबर बढ़ता है। तो अगर ये पूछे कि कितना मैक्सिमम लगभग बढ़ता है, तो बढ़ने को जो बच्चों का बढ़ता है वो 15-20 नंबर, मतलब कि कोई ऐसा बच्चा जो टॉपर रैंक का हो और इजीएस्ट शिफ्ट में होगा, हार्डेस्ट शिफ्ट में होगा, तो उसका नंबर 15-12 नंबर बढ़ेगा, इतना नहीं कि 30-35-40 नंबर बढ़ जाएगा। और किसी का कम होगा तो कोई बच्चा क्या होगा, कोई बच्चा किसी ऐसे शिफ्ट में हो रहा है जहां पर उसके नंबर कम होने हैं, तो हार्डली 1-2 नंबर का अंतर आएगा, 1-2 नंबर कम होगा, कम कम होते हैं लेकिन ज्यादा 14-15 नंबर होता है, इस बात को समझेगा। अब आते हैं कि यहां पे मेरा इतना स्कोर है क्या हो जाएगा रनिंग करूं, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आ रहा है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म भरना। जो गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया है, बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं बच्चों, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये आपकी पर्सनल, देखो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस करके दूंगा, ये गारंटी मेरी है, लेकिन आपकी गारंटी ये होनी चाहिए कि आपको ये गूगल फॉर्म भरना है और भरवाना है। कुछ हजार बच्चे केवल ये गूगल फॉर्म भरे हैं, मैंने अलग अलग से मुझे डेटा निकालता हूँ, मैं अलग अलग से कमेंट से, मुझे बहुत मेहनत पड़ जाता है। अगर यही डेटा, जैसे आप लोगों ने मान के चले 700 लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उन 700 बच्चों का नंबर लेके अलग से लिखता हूँ, उस डेटा में फीड करवाता हूँ। ऐसे ही मैं अलग संस्थाओं के भी जो वीडियो हैं उनके कमेंट से नंबर निकलवाता हूँ और उसे फिर से डेटा में डालता हूँ, और ऐसे करके वो होता है, बहुत बहुत ज़्यादा लंदी काम हो जाता है। ये मुझे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप इस गूगल फॉर्म को उतना ज़्यादा नहीं भर रहे हो। तो भाई दो चीज़ है, या तो हमारी रीच इतनी नहीं पहुंच रही है, हमारी रीच भी पहुंच रही है 80-85 हज़ार बच्चों में, तो मुश्किल से 1-2 हज़ार 5 हज़ार बच्चा ही इंटरेस्ट ले रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये गूगल फॉर्म भरिए, ये आपके लिए बेस्ट एनालिसिस करके मैं दूंगा, इस बात का प्रॉमिस है। तो इस गूगल फॉर्म को भरिए, इसमें आपको अपना नाम वगैरह देने के बाद एग्जाम डेट, कुछ बच्चे यहां पे अपना एग्जाम डेट की जगह पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम डेट भरना है भाई, जेंडर में मेल या फीमेल, एग्जाम से पहले या दूसरी, और करेक्ट क्वेश्चन कितना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना है, और आपका स्कोर आफ्टर निगेटिव मार्किंग के बाद कितना बन रहा है। ये अगर आप करोगे तो हमारे पास एक बढ़िया आंकड़े होंगे, बढ़िया डेटा होंगे, और उस डेटा के आधार पर हम लोग क्या समझेंगे, उस डेटा के आधार पर हम लोग समझ लेंगे कि भाई किसका क्या फायदा होने वाला है और कितना कट ऑफ जाना वाला है, हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आते हैं, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ेगा और किसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। इस फॉर्मूले को मैंने पहले भी बताया था, इस फॉर्मूले को समझिए, इस फॉर्मूले को आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका टॉप 0.1%, मतलब कि जितना एग्जाम हुआ है 10 शिफ्ट में हुआ है, तो 10 शिफ्ट के बच्चों को मिला लिया जाए, उनमें से 0.1% हम एक मोटा मोटा ले लेते हैं, वैसे तो देखा जाए तो मात्र 70% बच्चा पेपर दे रहा है, 70% भी ढंग से नहीं दे रहा, 65% बच्चा दे रहा है, लेकिन अगर 70% निकालो तो
48 लाख फॉर्म पड़ा है, 48 लाख का 50 लाख ले लो, और 50 लाख का देखोगे तो 35 लाख, मतलब कि अगर एक मोटा मोटा लेके चलो मैक्सिमम कि 40 लाख बच्चा, हालांकि 40 लाख से कम होंगे ये, 37-38 लाख के आसपास का फिगर है जो पेपर टोटल एग्जाम दिए हैं, बट अगर आप 40 लाख लेके चलो तो 40 लाख का 0.1% आएगा कितना, 4000 आएगा। कितना आएगा आपका, 4000 आएगा 40 लाख की बात किया जाए, ठीक है, 40 लाख का 0.1% की बात कर रहा है, मतलब इसे बटे 1000 करोगे, है ना, बटे इसे 1000 करोगे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4000 मतलब कि सारी शिफ्टों को मिला लिया जाए तो टॉप 4000 जो बच्चा है, टॉप 4000 बच्चा उसका स्कोर का एवरेज लिया जाएगा। अब भाई जो जो टॉपर होगा, जाहिर सी बात है कि वो 300 में से कितना नंबर पा रहा होगा, वो 300 में से 260 कुछ होंगे, 200 क्या होंगे, 200 आपके कुछ 62 भी हो सकते हैं, कुछ 270 भी हो सकते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 280 के आसपास हो, और ये डेटा जैसे जैसे 250 तक आएगा, ये 4000 बच्चे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कितने बच्चों में, 40 लाख में, तो ये स्कोर अगर कोई बच्चा टॉपर मैं मान के चलता हूँ 280 के करीब होगा, तो ये लगभग 260 तक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4000 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 4-5000 बच्चा टॉपर लिस्ट में कम से कम होगा जो 260-250 नंबर के आसपास पा रहा होगा, और ये किसी के भी कमेंट में जाके देख लोगे तो ये आंकड़ा आपको दिख जाएगा कि आपका 250 से 280 के बीच में ओवरऑल पैन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहां पे 4000 बच्चा मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इनका एक औसत निकालेंगे, इनके औसत को लगभग, तो ये जो वैल्यू हमारी जाएगी, इनकी मिड की वैल्यू जाएगी लगभग 270 नंबर हमारा क्या आएगा, 270-280 के आसपास आएगा, फिर भी मैंने इसमें क्या माना है, 250 ही माना है, कम माना है, बट रियल डेटा लगभग 260 के आसपास आएगा, इस बात को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेपर का स्तर थोड़ा सा कट ऑफ तो कम जाएगा, पेपर का स्तर अच्छा था, इतने भी ना मिले तो भी अगर आप एक रैंडम वैल्यू लेके चलो 250 मान के चलो कि ये 0.1 टॉप 0.1% जो बच्चे होंगे उनका 250, लेकिन 250 फिर भी मैं कम ले रहा हूं, एक सहूलियत ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वैसे 270 के करीब होगा। अब आते हैं दूसरा क्या है इसमें, टॉप 0.1% ऑफ योर शिफ्ट, आपके एक शिफ्ट में लगभग 4 लाख बच्चा था जिसे पेपर देना था, उस 4 लाख में से केवल 70% बच्चों ने दिया, मतलब कि 728 लाख, उसका अगर 0.1% करेंगे तो इसका 2800 बच्चा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अगर आपके शिफ्ट का, अगर आपके शिफ्ट का बात किया जाए तो ये 4 लाख बच्चे, कितने बच्चे हैं ये अगर देखा जाए तो ये 4 लाख बच्चे हैं, और 4 लाख बच्चे में केवल 70% पेपर दिए हैं, तो 70% पेपर दिए हैं मतलब कि 2,80,000 बच्चे पेपर दिए हैं, और 2,80,000 बच्चे पेपर दिए हैं तो अगर 0.1% लेंगे मतलब केवल 280 बच्चा लगभग, मतलब कि आपके शिफ्ट का टॉप 280 बच्चा क्या 280 से 270-260 के बीच में नहीं होगा, बिल्कुल आराम से होगा, तो इसलिए ये वैल्यू भी क्या होगी, ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज होंगी। ऐसे एवरेज यहां पे इसमें माइनस क्या करना है, सभी शिफ्ट का एवरेज प्लस डेविएशन, मतलब मीन का और डेविएशन का योग करना है। तो भाई अगर सभी शिफ्ट का जो टॉप 0.1% है, अगर सारे शिफ्ट का औसत देखा जाए, सबको एक साथ मिला लिया जाए, तो वो लगभग 190 के आसपास दिखाई देता हुआ कर रहा है, और अगर डेविएशन भी ऐड करेंगे तो 0.2 पॉइंट 0.5 ऐसे इसमें और जुड़ेगा। अब नीचे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस एवरेज, ये आपके शिफ्ट का एवरेज है, ठीक है, और डेविएशन क्या है, योग है। तो जो आपका शिफ्ट है यहाँ पे करेंगे, अब इसमें गुणा क्या हो रहा है, आपका नंबर माइनस आपके शिफ्ट का जो एवरेज है, और प्लस डेविएशन, मतलब यही वाली वैल्यू यहां पे है, और इसमें जुड़ क्या रहा है, इसमें जुड़ रहा है इजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क प्लस डेविएशन। मतलब आप इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक कड़ी तो ये है कि जो शिफ्ट सबसे आसान होगी उसका जो एवरेज नंबर होगा उसी में सारी चीजें जुड़नी है। क्या जुड़नी है, ये जुड़ना है, और ये बताएगा कि भाई उसमें कम जुड़ेगा या ज्यादा जुड़ेगा, और इसके आधार पे जो बच्चे का नंबर आएगा वो आपका बढ़ेगा या कम होगा। तो आप समझिएगा, इसको मैंने अलग अलग कंडीशन पे लिया है, एक एग्जांपल के तर्ज पे समझिएगा। मैं मान के चलता हूं कि जो टॉप 0.1% का बच्चा है वो 250 या इसे आप 270 ही ले लो, 270 है ना, 0.1% का कितना है, 270 है, और अगर आपके शिफ्ट का भी लिया जाएगा एवरेज तो यहां पर 280 बच्चे हैं, ये भी लगभग इससे कम होगा, तो बहुत ज्यादा एक क्या होगा, एक कम होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कौन सा डेटा था, एवरेज, पूरे का एवरेज जो आ रहा है लगभग 190 आ रहा है, मैं कह रहा हूं डेटा और आए तो कितना हो जाए, एवरेज 195 हो जाए। ये डेटा हर बच्चे में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये डेटा भी हर बच्चे में कांस्टेंट रहेगा। ये मैं मान के चलता हूं कि जो सबसे आसान शिफ्ट है उसका क्या है, जो अभी औसत मुझे दिख रहा है वो लगभग 198 के आसपास औसत आ रहा है, जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है उसी डेटा को मैंने यहां पे रख दिया। मतलब ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहेगी। तो फिर आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो किस पे डिपेंड करता है,
आपके स्कोर पे डिपेंड करता है, आपके स्कोर के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट का एवरेज और डेविएशन क्या है, आप केवल एवरेज लेके चलो, आपके शिफ्ट का एवरेज क्या है, इस पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है इस रेशियो पे। अब आप देखो, अगर कोई शिफ्ट, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू बदलेगी। अगर कोई आसान शिफ्ट हुआ तो जी टॉप के जो 0.1% बच्चे हैं उनका स्कोर भी तो ज्यादा बढ़ेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 270 से आप एक बढ़ा के रख लो, यहां पर आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर ऊपर 270 -195 है, मैं कह रहा हूं अगर ये बहुत आसान शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है कि इनसे क्या होगी, इनसे ओवरऑल शिफ्ट से थोड़ी बड़ी होगी, तो ये 271 हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। ऐसे ही एवरेज, उसी शिफ्ट का इससे एवरेज भी तो बढ़ जाएगा, तो मैं कह रहा हूं अगर यहां पे किए हैं तो यहां पे भी 100 हम क्या कर देंगे, 96 कर देंगे। इसका जो अंतर आएगा, इसका अंतर अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा हमेशा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इस पूरे रेशियो की लगभग हमेशा एक ही आएगी। ऐसी दशा में कि ये शिफ्ट क्या हो जाए, ये शिफ्ट बहुत ही आसान हो जाए, ये शिफ्ट बहुत ही आसान हो जाए, या ऐसे आसान में और एक कंडीशन लेके चलते हैं कि सबसे आसान शिफ्ट का, सबसे आसान शिफ्ट के टॉपर बहुत बढ़िया स्कोर करें और एवरेज उस हिसाब से ना हो, तो ये वैल्यू नीचे वाली ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे दशा में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू एक से कम हो जाएगी। लेकिन अगर कठिन शिफ्ट है तो ये वैल्यू भी कम होगी, ये वैल्यू भी कम होगी, और नीचे की वैल्यू कम होगी, ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो कठिन शिफ्ट के लिए वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। तो आसान शिफ्ट के लिए ये वैल्यू क्या होगी, आसान शिफ्ट के लिए ये वैल्यू होगी लेस देन वन, और कठिन शिफ्ट के लिए ये वैल्यू क्या होगी, कठिन शिफ्ट के लिए वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन वन। और अगर ऐसे शिफ्ट में आप पढ़ रहे हो जो क्या है, एक एवरेज शिफ्ट है, मतलब आप इजीएस्ट शिफ्ट में ही पढ़ रहे हो, यहां पे इजीएस्ट शिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, या आप एक एवरेज शिफ्ट में पढ़ रहे हो, तो ये वैल्यू क्लोजेस्ट टू आएगी 1, मतलब ना बहुत कठिन शिफ्ट में हो ना बहुत आसान शिफ्ट में हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग 1 आएगी। अब आपको ये रेशियो का वैल्यू समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है जो गुणा हो रहा है, या तो 1 से हो रहा है, या तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 से हो रहा है, या फिर 1.1 से हो रहा है, ध्यान देना, या तो 1 से, या तो 0.9 से, या तो 1 से। अब इसमें हम लोग गुणा क्या कर रहे हैं, आपका स्कोर माइनस आपका एवरेज, आपके शिफ्ट का एवरेज, इसमें भी आपका स्कोर माइनस आपके शिफ्ट का एवरेज, इसमें भी आपका स्कोर माइनस आपके शिफ्ट का एवरेज, और इसमें 198.05 सब में जोड़ दो, क्योंकि आसान शिफ्ट का जो सबसे आसान शिफ्ट का जो औसत आ रहा है वो 198.05 जा रहा है, कठिन शिफ्ट का औसत 190 के आसपास आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो डेटा आपका क्या कर रहा है, डेटा आपका यहीं पे कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है, यानी अगर इसको क्लोजेस्ट वन ले लिया जाए तो सारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स माइनस ए प्लस 198, एक्स माइनस ए प्लस 198, हर जगह यही पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब आप समझिए कि अगर आपका क्या है, ये कठिन स्तर का है, और आपका स्कोर भी कितना आ जाए, अगर ये एवरेज, मतलब कि उस शिफ्ट का, ये इजीएस शिफ्ट का एवरेज लिया गया है, और आप उसी शिफ्ट में हो जो इजीएस शिफ्ट है, तो ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, तो ये कट जाएगी। इसका मतलब ऐसी दशा में आपके आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा समझिए कि कोई बच्चा अगर ऐसे शिफ्ट से है जो बहुत ना कठिन है ना बहुत आसान है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर ऐसे शिफ्ट में वो इजीएस शिफ्ट के उसका जो औसत है वो इजीएस शिफ्ट के औसत के आसपास आ रहा है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन घटेगी किस केस में, घटेगी उस केस में कि 198 वो जितना पाए इसमें जुड़े वो जोड़ के टोटल क्या हो, टोटल कम हो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, हम दो कंडीशन लेंगे, एक ऐसा कि बहुत आसान शिफ्ट में कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत कम स्कोरिंग हो, और किसी आसान शिफ्ट में बहुत इजीएस्ट में कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर कर ले। तो भाई नॉर्मलाइजेशन मतलब हमें बराबर करना है, कोई बहुत ज्यादा जा रहा है तो हमें उसे नीचे लाना है, कोई बहुत नीचे है तो हमें उसे उठाना है, इसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो ऊपर से नीचे भी लाना पड़ेगा, यानी आप एक ऐसी दशा सोचो कि सपोज करो कि किसी एक बहुत आसान शिफ्ट में, कोई बहुत आसान शिफ्ट होगा तो आसान शिफ्ट में वैल्यू ये लेस देन वन होगी, मैं कह रहा हूं 0.9 हो रहा है। और सपोज करो कि बच्चा कितना पा जाए, बच्चा पा जाए 260 नंबर, कोई बहुत ज्यादा नंबर पा जाए, तो अगर ये 260 नंबर पाएगा, और मान लो कि वो किस शिफ्ट में हो, वो इजीएस्ट शिफ्ट में ही हो, वो क्या हो, इजीएस्ट शिफ्ट में हो, 198 रख लो, या उसका मान लो 195 रख लो, तो आप एक वैल्यू यहां पे रखोगे 260 माइनस, अगर आप 195 करोगे, गुणे 0.9 करोगे, और प्लस 198.05 करोगे, तो आपकी वैल्यू 260
60 से कम हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, 10 में से 5 गई 5 और यहाँ पे 15 में से 9 गए जाएंगी तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 65 ही आ जाएगा। तो 65 गुणे 0.9 करेंगे और उसमें अगर हम 198 करेंगे, आप जोड़ लो 9 5 45 और 9 6 54, 54 और 4 58, 58.5 में 198.05 जोड़ेंगे तो ये 5 5 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा। देखो बच्चा कितना पाया था 260 और आ गया उसका स्कोर 256, यानी उसका नंबर कम हुआ है। तो माननीय ऐसे अध्यापक जो बोल रहे नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन में कम होता है, आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मूला से मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे स्कोर में बच्चों का कम भी होगा। तो ऐसे ही अगर कोई बहुत आसान शिफ्ट से है तो और आसान शिफ्ट से बहुत ज्यादा स्कोर करेगा तो उसका नंबर कम होगा। किसी कठिन शिफ्ट में क्या, किसी कठिन शिफ्ट में उसका स्कोर क्या हो रहा है, किसी कठिन शिफ्ट में अगर वो टॉपर है तो उसका स्कोर क्या होगा, सबसे ज्यादा बढ़ेगा, भी इस बात को ध्यान देना। तो सबसे ज्यादा किसका बढ़ेगा, सबसे ज्यादा उसका बढ़ेगा जो कठिन शिफ्ट का टॉपर होगा। कठिन शिफ्ट का जो टॉपर होगा उसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 14 15 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा आप लोग देख लीजिएगा। और किसका कम किसका होगा, अगर कोई आसान शिफ्ट का है ना, यहां पे क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा का केस है, सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ेगा, सबसे जो ज्यादा बढ़ेगा वो कठिन शिफ्ट के टॉपर का। और सबसे ज्यादा जो कम होगा, सबसे कम जो होगा, ये सबसे कम किसका होगा, जो आसान शिफ्ट का क्या होगा, आसान शिफ्ट का जो क्या है, आसान शिफ्ट का टॉपर है उसका क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा कम होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये सबसे बढ़ेगा आसान शिफ्ट के कठिन शिफ्ट के टॉपर का नहीं होगा, मेरे ख्याल से लिस्ट स्कोर का होगा, उसे हम लोग एक बार निकाल के देख लेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बढ़ने वाला और घटने वाला इस शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ये बात आप लोग समझिएगा। और घटता भी है और बढ़ता भी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैक्सिमम बढ़ेगा तो 14 15 और मैक्सिमम कम होगा तो कितना होगा, 3 से 4 कम होगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। मैंने आपको आइडियल कंडीशन लेके बता दिया है और यही आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये बात इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट नोट करके दे दिया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और रही बात, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हैं, तो कट ऑफ के लिए आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म दे दीजिएगा। गूगल फॉर्म में अगर आप अपना डेटा भर देते हो बच्चों, तो मैं आपको इतनी बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको बिल्कुल नियरेस्ट कट ऑफ बता दूंगा। ज्यादा नहीं, मेरे पास अगर 25 से 30 हजार आंकड़ा आ गया ना, मैं पूरा एक्स्ट्रापोलेशन मेथड लगा दूंगा, मैं पूरी स्टैटिस्टिक लगा दूंगा और एग्जैक्ट आपको दूंगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास 30 हजार आंकड़ा आप दे दीजिए और मैं आपको जो कट ऑफ दे दूंगा उससे अगर 0.5 भी डिफर कर जाएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, जो मेरी स्टैटिस्टिक है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। और बाकी जो गुरुजन गलत बच्चों को बता रहे हैं उनसे विनती है, कृपया सही थोड़ा सा बैकग्राउंड मेहनत कर लीजिए, बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि यहां पे अगर आप गलत बता देते हो तो बच्चा डिमोलाइज हो जाता है, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा और फिर अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो कहां जाएगा, जैसा UP SSC में जूनियर असिस्टेंट और इन सारी वैकेंसीज के साथ हुआ। कई सारे लोगों ने, शायद अंकित भाटी सर ने ही उसे गलत बता दिया था, तो बोले थे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरे तो बच्चों का नुकसान हो गया। तो प्लीज अगर आपके पास एनालिसिस अच्छी है तभी आप करिए, वरना ना करिए तो ज्यादा बेटर है। और मैं भी जब कोई चीज लेके आता हूं तो गारंटी के साथ ही लेके आता हूं, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में कि भाई पता लगे चीटिंग वोटिंग हर चीज हो जाए, आपने जो डेटा दिया पूरा डेटा ही गलत हो जाए, तब मैं नहीं बोलूंगा, डेटा के हिसाब से मैं सटीक एनालिसिस दूंगा, इस बात की आपसे गारंटी है। तो ये आप लोग गूगल फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा, इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यहां से आप गूगल फॉर्म लिंक भर दीजिएगा। मैं आज तो नहीं, कल तो नहीं, लेकिन मान के चलिए कि आज अगर तारीख है, मैं 5 सितंबर को, 5 सितंबर क्या है, 5 सितंबर आपके लिए बहुत खास दिन है, 5 सितंबर को मैं UPP का कट ऑफ बताऊंगा। और मैं गारंटीड बता रहा हूं कि जिसको जल्दी बताना हो बताने दीजिए, जिसको बाद में बताना हो बताने दीजिए, लेकिन जब आप 5 सितंबर का मेरा कट ऑफ देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर, आपकी वीडियो भले ही 4-5 मिनट लंबी है लेकिन आपका एनालिसिस बहुत सटीक है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।